really think you should. सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सारे? उम्मीद है आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो पूरा देख लेना भाई, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही छोटा वीडियो है। और चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब ऐसे कर देना, ओके? तो भाई लगभग 2-3 साल बाद एक बंदे ने, मतलब मेरा बचपन का फ्रेंड है जो अभी न्यू दिल्ली में रहता है, लेकिन अभी भी उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, हम लोग फ्री फायर वगैरह खेलते रहते हैं, उसका नाम शिवम है। मैं आपको कोई ऐसी कहानी नहीं सुना रहा भाई, ये सब कुछ हकीकत है। तो वो अचानक से 3 तारीख को SMS करते कि भाई तू बड़ा यूट्यूबर बन चुका है, मेरा जो ID स्कैम हो गया था 2 से 2.5 साल पहले लगभग 2018 को, तो वो बैक ला दे। तो मैंने उसको बोला भाई मैं काहे का बड़ा यूट्यूबर, तो उसने फिर बोला कि भाई आयुष भाई से बात करके देख इसके बारे में, अगर वो कुछ कर सकता है तो मुझे बताना। मुझे पता है भाई इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी मैंने आयुष भाई से बात किया, तो उसने भी बोला भाई इसके बारे में अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत देर हो चुका है, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 साल पहले की बात है भाई। तब मैंने उसको बोला भी था भाई फेसबुक से कॉन्टैक्ट कर भाई, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, शायद आपको पता नहीं, अगर कोई बंदा आपका ID जो है स्कैम कर लेता है और उसका सब कुछ चेंज कर देता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया, या फिर ईमेल, सब कुछ चेंज कर देता है, तो भी आप उसको बैक ला सकते हो, रिकवर उसको कर सकते हो इजीली, 90% उसका चांस रहता है। तो अगर आपको जानना है डिटेल्स में वीडियो, तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ा हुआ है जिसकी मदद से आप जो है अपने ID रिकवर कर सकते हो, ठीक है? उसको जब मैंने ये बोला ना, पता है उसने क्या बोला? भाई छोड़ो यार ये सारे झंझट, मैं एक और ID क्रिएट कर लेता हूँ। तो भाई आप ही बोलो इसके बाद आप क्या बोलोगे, जिसका ID है उसका ही कोई फिक्र नहीं है, तो आप क्या ही करोगे भाई? तो अभी जाकर उसका दिमाग खुल रहा है, इतने सालों बाद आपको पता है अभी क्रिमिनल बंडल का क्रेज कितना है मार्केट में। तो उसने जब क्रिमिनल बंडल अपना निकाला था ना, उसके एक दिन बाद उसका ID स्कैम हो गया था। स्कैम कैसे हुआ भाई? आपको पता है जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें किसी बंदे ने जो स्कैम वाले लिंक होता है वो डाल के रखा था, और उसने वहाँ पर जाके अपना ID पासवर्ड दे दिया। तो भाई आप क्या ही बोले। तो इसलिए भाई मैं आपको बोलता हूँ कि 2-स्टेप जो वेरिफिकेशन है उसको आप ऑन करके रखो, ताकि कोई भी अगर आपका ID पासवर्ड पा भी ले तो वो आपका ID लॉगिन ना कर पाए। तो इसके बारे में मैं बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हो और अपना ID सेफ रख सकते हो। तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ओके? इस टाइम भाई हम लोग टॉप अप नहीं करते थे ना, ये बात है भाई 2018 की, पैसे नहीं थे भाई कहाँ से करे। तो उस टाइम ये बंदा टॉप अप करता था और हम लोगों को दिखाता था, देख भाई मेरे पास स्कॉल मार्क्स बंडल है, मेरे पास क्रिमिनल बंडल है, मेरा ID स्कैम हो गया। तो ये मेरा दोस्त बहुत दिन बाद ऐसे कोशिश कर रहा है कि ये अपना ID बैक पा ले, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो आप तुरंत मतलब 1-2 दिन के अंदर अपने जो फेसबुक है उसके साथ कांटेक्ट करना, तो बहुत चांस रहता है कि आपका ID जो है आपको वापस मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना था, और सावधान रहे और सतर्क रहे।